जनरल कोई दिन नाना जी ने ठीक ही कहा था कि किसी दिन ये उम्र अपना हथियार लेकर और तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा। वो दिन आ जा गया है उजल। अगर तुम्हारे दिल की चाह यही है तो मिटा ले अपने दिल की हसरत। खड़ा है तुम्हारा भाई और चला मेरे सीने पर तलवार। सुनिए कि करना क्या है तुम्हें। Thank you.
कि अगे तो पालक जी ने
कही जल्लाद जल्लाद ये वही पापी आंख है जो अपने भाभी के ऊपर पर नजर डाला और ये वही बेदर्द करेगा जो मेरे लाल का कर्म करते हुए इस करेले में जान भी नहीं आया। हर जला ले जाओ इसे पालतू कुत्ते को दे दो। सैसी आज्ञा। बगीचे हमारे धुलाएगा और मालिक हमारे पता नहीं कहाँ है मालिक कि बगीचा के ध्यान में ला दिया था फूल के नाम है पड़े लाख Yeah.
थोड़ा सा पानी पिला दो, यही आदि है आपसे बताओ बहनी। अपने यहाँ पीते फटाले पानी देते रहे हैं, अब फटाले क्या कहा से आए हैं, बस अपने पानी पिया गया भाई में मौका है पानी ना पिया गया, अपने बच्चे से की इतने पानी पिया मालिक। हाँ मैंने ऐसी बात नहीं कहा है, हाथ जोड़ रहा हूँ लगी प्यास पानी पिला लीजिए, धर्म नहीं छोड़ा पिला दीजिए पानी थोड़ा सा, धर्म ना क्यों या ना ना क्यों बता दे पानी ना पिया बेबे हमें मौका ना है मौका नहीं है। हाँ अरे पिला दीजिए मैं कह रहा हूँ अभी सर, अरे हाथ जोड़े पानी ना पिए मालिक। हाँ अभी तो सीधे साधे कह रहा हूँ पानी पिला दीजिए, सीधे साधे और क्या कहा गए लोग बताओ, हमारे बगीचा में हम ही सरकार अगर पानी नहीं पिलाओगे बगीचे बाहर नहीं जाने दूंगा, तुम लोग चलिए चलिए सुनिए तुम
कैसी मचाएंगे मुझे। सुनिए आएंगे जिस आएंगे हमारे नरोदर में कैसे आते हैं आएंगे जिस नरबर में मालिक गया था लेकिन अब तुम्हें हिलिया मालिक कह रहा हूँ मैं। क्या आपका नाम हिलिया है? मेरी बात लगो जाता है। जी हाँ मेरा नाम हिलिया है। ही पड़ेगा मालिक सिर्फ हमारी बात के लिए जा रहे थे तुम्हारे नरों के बगीचे में रुक करके घोड़ा नगर और गेंदा मार कर आ कर रहा था जैसे आप पानी पिलाने के लिए दिखा रही हूँ दिखा रही हूँ इस तरह से तुमने बगीचे में रुकने के लिए जा भरत दिखाया था। मैंने आपको एक अशरफी दिया था। अशरफी? जी हाँ है आप उस अशरफी के लिए तुम मुझे ले गई थी अपने यहाँ और मैं तुम्हारे लिए यहाँ रहा था लेकिन एक दिन एक अशरफी लेकर के तुम्हें भेज दिया था क्या हमारे यार कि चले जाओ मालिन आज मिट्टी का तेल ले आओ और आज के दिन हम लोग यही परी का नाच देखेंगे क्योंकि आज दिन आने रात बीत गया ये लिए कि बिल में हाथ का आया आज हमारा और तुम्हारा भी तुम्हारा तुमने कहा था बेटा उधर हमारे नरों में लाइट जाती है लेटर बिजली यह मिट्टी तेल का कोई कारोबार नहीं जो न पसंद की लगी है उसका जब अपने छत के ऊपर अटाई के ऊपर बैठ जाती है नरों घर में बारह को छोड़ती है चारों तरफ उजाला हो जाता है उसी उजाला से हमारे नरों घर का कारोबार चल रहा है हमारे यहाँ लाइट बत्ती जनरेटर बिजली मिट्टी तेल का कोई साधन नहीं है। ये बात है तुम्हारी सुन करके मेरी आत्मा में अपनी की ज्वाला जल चुकी थी तुम्हारी मैंने एक सर्फी दे दिया आपको भेजा था कि बाजार क्या करने के लिए क्या करने के लिए घोड़ा कराती दाना घास लाने के लिए और तुम लोग थोड़ा बेटी के लिए तुम लोग का हाथ बना कर चले जाती थी पांच फूल का और जब तुम चले गए जाती दाना घास लाने के लिए तो वो हार उस दिन मैंने बनाया था तुम्हारा अब तुम बनाती थी दोनों का हार लेकिन मैंने किस हार बनाया चार लड़का कोको पर छाला मुझे कोको बेटा जवाहरलाल हीरा मुझे सोना चांदी जवाहर लगा करके चार मेरा हार तैयार किया था और जब तुम रात दाना घास आपको बहाना बताया था कौन सा भाड़ा था तैयार किया और जल्दबाजी में वही हार लेकर की बेटी आपके पास चली रही हो जब वो हार लेकर की गई थी तुम फुलवा के पास जिसमें फुलवा था वही बनाना बताया था जो मैंने आपको बताया था कि मेरी महबूब सिपाही आई हुई है अब कोई काम में चली गई थी हटिया बाजार कुछ सामान लाने के लिए उतने देर में मेरे बहनोत्री ने हार तैयार किया और जल्दबाजी में बेटी हुई हार लेकर के आपके पास चली आई हो
भगवान ने कहा तुम्हारे मालिक ये तुम्हारी बालोटी में इतना सुंदर हार बनाया है अखरोट कितना सुंदर होगी। जाओ मालिक अपनी बालोटी को लेकर के आओ मेरे पास और मुझे दिखाओ। तुम सर पीटते हुए चिल्लाते हुए रोते हुए जब मेरे पास आई थी सारी जानकार मुझसे बताया था तो मैंने क्या किया था? क्या किया था? एक सर्फी दिया था आपको क्या करने के लिए? क्या करने के लिए? हथियार बाजार जाने के लिए। और क्या बाजार से लाना क्या था? सुराहा सुराहा पति सोहरा यानी जनाना बनाने का पूरा पोशाक लेके आई थी। और जनाना बनाया किसको था? किसको? हमको। और जनाना रूप धरा था तो मैंने खुलवा के लिए जो तुमने नाग क्षेत्र के नथिये पहनाया था सारे निशान सारे दांत तो खत्म हो गए लेकिन वो तुम्हारे हाथों का दाग अभी तक मौजूद है। अब छेदी थिमाती है तब निशान लक्ष्मी का Thank you.
रानी जी सुनिए I'm
ये आपकी हालत कैसे है जिया जी? भैया मगरन ये सुनकर की बहुत बड़ी हैरत मरिया होगी कि मेरी मोहब्बत प्रकार का जिलाता हुए कि धारा पीने तुम्हारे भाग के लिए नहीं आया हो। अरे जिया जी बताइए। सुनो मेरा आका चलो न तुम को अपना हाल मत रंदी आका सुनो Thank you.
कमेटी ऊपर कैसे आ जाए, ये तो समझने की बात है। ठीक है जी, देखिए ऐसी बात है तो सुने एक बार।
का हाल होगी माँ सब कुछ बता देंगे। ठीक है माँ, तुम जाओ Yeah!
जाओ। जाओ।